सुनीति अपने पिया हृदय सम्राट को अंदर लेकर के गई। वही हाल हो गया महाराणा प्रताप वाला। मैया सुनीति पिया को जैसे ही देखा, भोजन था नहीं, आधी रोटी जो की रखी रहे वो मैया ने अपने हृदय सम्राट पिया को खिलाया। रात्रि व्यतीत हुई, अब व्यतीत जैसे ही हुई है सुबह हुआ, चिड़ियों के चहकने की आवाज सुनाई दी कानों में। वैसे ही तानपाद महल के लिए चले। जब महल के लिए चले, छोटी वाली जो रानी सुरची रहे, अब बस सोच रही ऐसो तो ना है, शिकार खेलन के लिए पिया गए थे, कहीं कच्चो हो गए हो तो घोड़े पर सवार वही चलो देखे आए। तो देखन को सुरची पहुंची, उधर से महाराज उत्तान पात आ रहे थे। इधर से सुरची ने जैसे ही देखा आता हुआ उत्तान पात को, जवाब दिया खड़ी हो जाओ। घोड़े से नीचे उतर गई सुरची और कमर पे हाथ धर के ठाड़ी हो गई। जवाब दो ये आओ कहां थे, जवाब दो हमसे पूछ रही है कहां थे, सारी रात ने दरवाजा सोता रहा। अरे दरवाजे तुम थे ही नहीं दरवाजे, जवाब दिया हमसे जबान लड़ा रही है। सुरची बोली मुझे पता है तुम कहां थे, कि हमें मालूम है भाई रानी के लिए। वो मैया सुनीति के बारे में सुरची बोली कि तुम बादन की करियो याद रे कसना मेरी खाई। की करियो याद कसम मेरी खाई, आदिन की करियो याद कसम मेरी खाई। तुम्हें नहीं पता उस दिन तुमने किसम खाई थी, किसके पास नहीं जाएंगे, क्यों गए? तो तलवार निकाली उत्तान पात ने, पकड़ा दी ले ले जा मार दे जा। क्या वो हमारी पत्नी नहीं है? उस दुखिया को दुख देना तुझे शर्म नहीं आती? जो महाराज उत्तान पात ने इतने शब्द कहे तो वहीं ठहर गए। जवाब दो हाँ मुझे मालूम है तुम नहीं गए हो, चलो घर चलो। कलाई पकड़ी सुरची अपने घर लेके गई, और जब घर ले गई उधर मैया सुनीति के गर्भ ठहरा, इधर सुरची के गर्भ ठहरा। जब से मैया सुनीति के गर्भ ठहरा तो उस दिन से परमात्मा से डोर लगा ली, विनती कर रही है मां प्रभु अगर हमारी कोख से अगर पुत्र का जन्म हो तो तेरा भक्त हो। मैया सुनीति
भजन कर रही है, ओम नाम का जाप कर रही है। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ तो मैया सुनीति के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब मां को प्रसव की पीड़ा सताई, ऊपर को हाथ किए, ओम नाम का जाप किया, बालक का जन्म हो गया। इधर महल में सुरुचि है, दास दासियां सेवा कर रही, कोई गुड़ दबा रही दासी, कोई सर दबा रही, कोई हाथ दबा रही। अगर काऊ दासी को जगह नहीं मिल रही तो दासी दासी को ही जगा, क्योंकि वो तो रानी है। आज वो मैया वो दुखिया, दुखिया के पास में कोई नहीं है। सुरुचि के भी गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ, उधर मैया सुनीति के गर्भ से भी पुत्र का जन्म हुआ। तो वो माँ सुनीति विचार कर रही है, प्रभु मेरे पुत्र ने जन्म लिया तो कैसी घड़ियों में जन्म ली। आज छोटी वाली रानी का पुत्र मखमल के गद्दों पर सो रहा है, आज मैया उस दुखिया का लाला जंगल के पत्तों पर सो रहा है। वो मैया विचार कर रही है, और जिस मैया को बधाई डालनी हो वो ठड़ी हो जाए।